अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग आपको बताएंगे कैनवास किस तरह बनाते हैं और टाइट किस तरह करना है कैनवास को फ्रेम पे। ठीक है, ये मैंने तकरीबन कर लिया, ये दो दो बाई चार का साइज़ था। ठीक है, ये मैंने लगाया, ये मैंने कर लिया है 24x36 का, और ये है 15x36 का साइज़ मेरा। तो अब मैं ये 20x30 का साइज़ ना, ये मैं अभी एक कैनवास लगाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह टाइट करना है, किस तरह स्ट्रेच करना है, फिर उसके बाद यानी कि इसको कोटिंग किस तरह करनी है। और कम पैसों में हमने ना ये सारे फ्रेम तैयार करेंगे, जो मैंने कैनवास इस पे लगाया है। आपका 1000 रुपये में ना ये आपके कैनवास, मेरे ख्याल से महीना 2 महीने आपका ना ये मटेरियल चल जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ किस तरह स्ट्रेच करते हैं। और काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं डाली थी चैनल पे, अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, अपना जो काम है उसके भी वीडियो डालूंगा। अब शुरू से करते हैं, पहले कैनवास बताएंगे आपको किस तरह टाइट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। करना है, फिर उसके बाद कोटिंग, फिर उसके बाद ड्राइंग वगैरह, फिर कलर पेंट किस तरह करना है, नाइफ से किस तरह वर्क होगा वो आपको सिखाएंगे। चलें चलते हैं, ये मैंने कैनवास इस पर रख दिया, तो इसके बाद शुरू करते हैं। मेरे पास कील्स हैं इस तरह के, छोटे छोटे कील हैं, तो ये हमने लगाने हैं इस पे फ्रेम पर। सबसे पहले ये फ्रेम है, इसको इस तरह रखना है, जिस तरह ये इसको सेंटर किया आपने, इतना सेंटर कर दिया। सेंटर के बाद पहले इधर सेंटर से आप कील लगाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे हम। ठीक है, इसको स्ट्रेच करेंगे, सेंटर से थोड़ा सा खींचेंगे, इसको भी अच्छा कर लगाएंगे। साइड हो गई हमारी इस तरह की बनेगी साइड, तो ये कील मैंने ना हाफ कील ना बाहर रखा है, क्योंकि आराम से निकल जाएगा। ये मेरे पास ये चीज़, इस चीज़ से ना आराम से कील निकल आता है जब आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी दो साइड हो गई। अब इसी तरह ना इसको अभी इसमें खींचेंगे नहीं, इसको इस तरह ही लगा देंगे, खींचना हो दूसरी साइड से हल्का सा। ठीक है, अब ये इधर से खींचना हो सेंटर से, ना इसको ज्यादा खींचना ना कम खींचना है, क्योंकि ज़्यादा खींचेंगे तो जब इस पर कोटिंग होगी तो इसमें थोड़ा श्रिंक होना, तो फिर कैनवास थोड़ा अंदर को हो जाएगा, फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, तो हमने थोड़ा सा ही खींचना। जब श्रिंक होगा तो कपड़ा ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएगा। अब इस पर कोटिंग होगी, तो मैं कोटिंग की भी आपको वीडियो बना के सेंड करूँगा, शेयर करूँ। तो अभी हमने कैनवास रेडी कर लिया, एक हो गया। तो
अच्छा करते हैं। ये मैंने कपड़े काट के रखे हैं इसके साइज के, देखो इस तरह। एक और आपको ना करके दिखाता हूँ, देखिए इसका सेंटर किया कपड़े का, ठीक है इसी का है, पहले सेंटर में लगाई। हेलो भाई, जी गाइज ये मैंने वीडियो बनाई है, तो किस तरह मैं फ्रेम टाइट करता हूँ, कम पैसों में करता हूँ, ठीक है। इसके बाद कोटिंग का मरहला है, वो मैं बताऊँगा आपको। एक दफ़ा आपने वो चीज़ ले लेनी है तो वो आपकी 2-3 महीने में इजीली चल जानी है, तो ख़र्चा भी बहुत कम है। तो सिर्फ आपको फ्रेम बना के रखने पड़ेंगे, जो आपको साइज़ चाहिए उसका फ्रेम बना लें, और भी फ्रेम सस्ते बन जाते हैं। तो यह हमने अभी कैनवास अभी टाइट किया, तो कैनवास टाइट के बाद कोटिंग का मरहला है, वो मैं आपको बताऊंगा कितने कोट होते हैं, ठीक है, क्या क्या चले डलेगा उसमें, तो वो सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी का सवाल हो वो मुझे कमेंट्स करें, मैं उसको लाजमी जवाब दूँगा। तो बाकी कल मिलते हैं।